दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौर टेक्निकल के साथ। मैं हूं शिव और आज आपको मैं टंटनिया पहाड़ घुमाने लेके आया हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं टंटनिया पहाड़ का नज़ारा कितना सुंदर है। ये बहुत ही मनोहर दृश्य है और ये जबलपुर का सबसे बड़ा पहाड़ है। आप यहां से चढ़ के कचनार सिटी और भी जो लोकल जगह है वो अच्छे से देख सकते हैं। आपको मैं यहाँ किसी विश्वविद्यालय और अधार्ता का तालाब ऐसे बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह मैं आपको घुमाऊँगा। इस पहाड़ के माध्यम से आप रांझी तक देख सकते हैं, इतना विशाल पहाड़ है। और अभी मैं आपको इसको ऊपर ले चलता हूं और पूरे पहाड़ का नज़ारा दिखाता हूं, पूरे जबलपुर का दर्शन कराता हूं। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं पहाड़ चढ़ने। आप देख सकते हो ये रास्ता है बहुत सिंपल और हमारे साथ हैं प्रदीप भाई। अभी आ गए, वहाँ पे बहुत कम काम रहता है। बढ़िया, ये हमारे साथ प्रदीप भाई जो आगे आगे जा रहे हैं। प्रदीप थोड़ा हाई कर दो। ये देखिए मेरे दोस्त हैं जो आपको घुमाएंगे पूरा पहाड़। चलो ये देखिए दोस्तों हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, पहाड़ थोड़ा सा ऊंचा है। ये हमारा दोस्त देखो आज सिंगम बना हुआ है, पहले दारा सिंह जैसा दिखता रहा। यहाँ से देख रहे हैं ये बहुत ही, यहाँ का बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर है हनुमान जी का। यहाँ पर हर मंगलवार शनिवार को पूजा पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है, सुंदरकांड होता है। देखिए दोस्तों ये जो अपन पहाड़ चढ़ के आए हुए हैं ये वीर बजरंग बली बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मंदिर है उसी पहाड़ के नीचे जो आपको दर्शन करा रहा हूँ मैं। चलो दोस्तों अभी हम पहाड़ चढ़ के आए हुए हैं और पहाड़ के रास्ते में ही बजरंग बली का मंदिर पड़ता है। तो जब भी आप यहाँ पर आए तो बजरंग बली का दर्शन करें और फिर उसके बाद आप अपनी यात्रा पुनः चालू करें। हम लोग यहाँ से सीधे चले, ये मंदिर है सामने देख लीजिए आप, हमारे ये मंदिर है। अब हम मंदिर से सीधे इस तरफ राइट हैंड में चलेंगे। ये हमारे साथ भाई खड़ा हुआ है, ये प्रदीप भाई। हम आपको सीधे वहाँ तक ले जाएगा टंटनिया पहाड़ के ऊपर तक और पूरा जबलपुर देखेंगे। ठीक है चलते हैं फिर। ये देखिए हम लोग घने जंगलों के बीच से जाते हुए पहाड़, और बहुत ही प्यारा पहाड़ है। जब भी आप यहाँ आएँ तो पानी लेके ज़रूर आएँ। देखिए हम लोग एक बोतल लेके आए हुए हैं और अगर पीते खाते हो तो वो भी ले आना, ऊपर पीने की उत्तम व्यवस्था है। देखिए आधा चढ़ चुके हैं, आधा और चढ़ रहे हैं, अभी चलते चलते हैं। ठीक है चलो साथ बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इंटरेस्ट बना है आप लोगों का। थक गए हैं यार, बहुत गर्मी लग रही है। ये देखिए लगभग आ चुके, आप देख सकते हैं पहाड़ रोज चढ़ चुके हैं, आधा लगभग थोड़ा सा बचा है और फिर आपको जबलपुर का अद्भुत नज़ारा देखने से कोई रोक नहीं सकता भाई। दो शब्द बोलेंगे आपको इस पहाड़ के बारे में। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल स्पीसीज लगी हुई हैं जो बहुत ही रेयर हैं यहाँ पर जबलपुर में। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक मित्रा गायना पारी फ्लोरा स्पीसीज है, ये बहुत ही रेयर है। इसमें अभी फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग के बाद फ्लावरिंग भी कहीं कहीं दिख रही है, फ्रूटिंग दिख रही है। तो ये बहुत ही मेडिसिनल यूज़ का प्लांट है और ये बहुत ही, इसकी लकड़ी बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा ब्यूटी ऑफ मोनोस्पर्मा और क्लोरोजाइलान स्पीसीज है और ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं। अभी मैं इसके बारे में जो मुझे दिखेगी आगे तो फिर मैं इसके बारे में और बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे प्रदीप भाई ने आपको बताया ये कि यहाँ पर जो भी पेड़ लगे हुए हैं वो जड़ी बूटी से संबंधित हैं और आप देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है यहाँ से जबलपुर का। ये देखो जबलपुर का मस्त नज़ारा यहाँ से देखिए पूरा दिख रहा है। ये देखिए मैं इसकी थोड़ा वाइटनेस बढ़ा लेता हूँ, ये देखिए कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। देखिए बहुत ही मज़ेदार नज़ारा, देखिए जबलपुर का शानदार नज़ारा कितना छोटा छोटा दिख रहा है, सब कुछ देख सकते हैं आप। और अगर आपकी नज़र जा रही हो तो तालाब दिख रहा होगा, वो गोकुलपुर का तालाब है रांची का। ये देखिए बहुत ही मस्त नज़ारा है यहाँ पर। अभी थोड़ा और दिखाता हूँ फ्रंट में ले जाके, ये देखिए क्या दिख रहा है, वाह मज़ा आ गया भाई हो देख के। सामने जो आपको दिख रहा है ये पूरा एग्रीकल्चर फील्ड है, ये काफ़ी बड़े एरिया तक फैला हुआ है। इसके अलावा यधारताल का तालाब दिख रहा है, जीसीएफ फैक्ट्री, खमरिया फैक्ट्री का एरिया पहाड़ के उस पार दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये बहुत ही मस्त नज़ारा है और हमारे साथ कुछ भाई लोग भी आए हुए हैं, कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। भैया आप लोग कुछ बता दीजिए।
हम लोग तो नए। यहाँ का नज़ारा बात ही अलग है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। हाँ। आप देख सकते हैं दूर दूर का जो इलाका है। जी जी, एक अलग ही पहचान हमारे शहर संस्कारधानी की। संस्कारधानी, और जैसा कि अभी हम लोग लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। जी जी जी, ये हमारे घर के पास है। हाँ। ज्यादा कोई ऐसी दूरी नहीं है, तो लोग यहाँ पर टाइम पास करने आ जाते हैं। बहुत ही मस्त, हल्का फुल्का खाना पीना, कोई ज्यादा पिकनिक टाइप की। हाँ। नीचे मकान है थोड़ा बहुत, तो आ जाते हैं टहलने के लिए। ये हमारे तो हमारे साथ भाई लोग जुड़े हुए हैं। सर मैं आप लोगों का नाम जान सकता हूँ क्या? माय नेम इज मोहित सिंह। जी सर, मोहित सिंह भैया आपका? सर आपका? सर जी आपका? सहवान अख्तर। जी सर, आप हमारे YouTube चैनल चलो टेक्निकल के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए बहुत ही मस्त नज़ारा है यहाँ का, जबलपुर का। आप देखिए क्या सुंदर व्यू है। सनसेट पॉइंट भी देखना दिखाएंगे, ठीक है? सनसेट पॉइंट अभी वहाँ ऊपर चलते हैं। चलिए और ऊपर चलते हैं। की एक खासियत बताना चाहता हूँ कि जैसे हम पचमढ़ी जाते हैं और कोई दूसरे प्लेस जाते हैं जो सनसेट पॉइंट देखने जाते हैं, सनराइज पॉइंट, आपको वो नज़ारा यदि आप देखना चाहते हैं तो उतने दूर ना जाके आप जबलपुर में ही इस पहाड़ में आके, अभी आप जब देख रहे हैं सनसेट होने वाला है, मुश्किल से आधा घंटे बाद ये पूरा सनसेट बहुत अच्छी तरह से डूबते हुए आपको देखेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार आप यहाँ ज़रूर आइए और देखिए। दोस्तों प्रदीप भाई ने बताया सनसेट के बारे में, आपको अगर सूरज डूबते हुए देखना है तो जबलपुर जाइए, और जबलपुर के टनटनिया पहाड़ में चढ़ जाइए, आपको सूरज डूबते हुए दिख जाएगा। मैं आपको जबलपुर का पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा जबलपुर दिखता है। अगर आपकी नज़र जा सकती है तो कचनार सिटी भी यहाँ से देख सकते हैं। दुनिया तो नहीं कहूँगा, पर यह कि पूरा जबलपुर आप यहाँ खड़े होकर कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ही मस्त पहाड़ है, इसको हम लोग टनटनिया पहाड़ बोलते हैं। ये देखिए जो पत्थर आप देखते हो, दूर से देखो ये पत्थर दिखता होगा, ये सामने दिखा रहा हूँ मैं, ये पत्थर वही है। और ये दो झाड़ जो दूर से आप देखोगे, ये दो झाड़ दिखते हैं। इस पेड़ के बारे में बताओ प्रदीप भाई, ये पेड़ क्यों सूख गया? क्या इसमें पानी नहीं डाले क्या आप लोगों ने? कोई जवाब नहीं। पेड़ हो चुका था बहुत, और ये अपने आप सूख गया, नेचुरली है, किसी ने सुखाया नहीं है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको सारी चीज़ें नेचुरली दिखेंगी। हाँ, तो इन्होंने जहाँ सुखाया नहीं है भाई, इसको माफ़ कर देना, इसी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली में ऑटोमेटिक सूखा हुआ है। अगर ये देखिए आप झाड़, ये देखना जब भी आप दूर से खड़े हो देखोगे, ये दो पेड़ दिखाई देंगे आपको, तो एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई देगा, एक हरा हुआ पेड़ दिखाई देगा। चलो और भी आपको मैं आगे ले चलता हूँ दिखाने के लिए। भाई जबलपुर का मस्त नज़ारा देखो, कितनी आबादी है यार, सोच सकते हो आप लोग, कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। ये पूरा जबलपुर का वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, पता चल जाए जबलपुर कितना बड़ा है, महानगर इसको ऐसे ही नहीं बोलते। ये देखो क्या दिख रहा है पूरा आपको, यहाँ वो तालाब दिख रहा है, पत्थर के सामने वो तालाब दिख रहा है। ये जहाँ स्पेस खाली है, देखा मैं तो बोल रहा हूँ, सनसेट पॉइंट पर अपने पहाड़ के सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं, और अब आप देख रहे हैं यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और अब सनसेट भी होने वाला है, 6:30 का टाइम हो चुका है, और सन देखिए ये डूब चुका है सूरज भी, अब बिल्कुल देखो छोटा सा हो गया है। अब गौर से देखो दिख जाएगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये सनसेट हो चुका है। तो आपको पचमढ़ी जाने की जरूरत नहीं, जबलपुर जाइए, टनटनिया पहाड़ चढ़ जाइए, आपको सनसेट होते दिख जाएगा। भैया जुड़े हुए हैं जो कि इनका भी YouTube चैनल है, ये अपने YouTube चैनल के बारे में जानकारी देंगे और कुछ जबलपुर के बारे में और इस पहाड़ के बारे में बताएंगे। भैया मेरा नाम मोइन है, और मेरा YouTube चैनल जैसा भैया ने बताया वो मोइन सिंगर जबलपुर के नाम से चलता है, आप उसमें कुछ गाने भी सुन सकते हैं। और जैसा कि इस पहाड़ के बारे में भैया ने बताया, तो इस पहाड़ की खूबसूरती की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जब छोटे से थे यहाँ पर, तब से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, और अभी के टाइम तक हम लोगों का ये मतलब जो मनोरंजन करने का जो ये अंदर की इच्छा है वो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती ही उस लायक है। और आप लोग अगर यहाँ आना चाहें, यहाँ विज़िट करें, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और हमारे भैया के चैनल के माध्यम से जो इन्होंने बताया कि यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी आपको जानकारियाँ देते हैं, तो इस जानकारी को और आप आगे बढ़ाइए, और आप अपने पास खुद भी उसको देखिए और सुनिए, और शेयर कीजिए भैया का चैनल, और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि एक दूसरे से हम लोग सब कनेक्ट रहते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सर ने जो कहा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, सबका साथ सबका विकास, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि कहा गया है कि अगर हम आप एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप हमारे भैया का जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इनके वीडियोज़ को जरूर देखिए। और हमारे साथ और भी भाई जुड़े हुए हैं, और हमारे ये प्रदीप भाई जुड़े कुछ बोल रहे हैं। सिंगिंग का मेरा, अरे ठीक है। हाँ भैया एक बार सुना दीजिए, भैया एक संगीत सुना दीजिए। अब यहाँ क्या सुनाओ, अरे एक कुछ भी यहाँ सुना दीजिए, कुछ भी सुना दीजिए।
चलिए ठीक है, एक अभी एक गेस्ट अभी आया था जो मेरा मतलब फेवरेट सॉन्ग भी है जी, मैं आपको वो सुनाता हूँ। अरिजीत सिंह जी ने उसको गाया, मैंने अपने अंदाज में कुछ उसको यूट्यूब पर भी डाला, आप सुन सकते हैं स्टूडियो का मेरा। पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है, अपनी वफाओं से तुझे सजाना है, दिल चाहता है तुझे कितना बताना है, हाँ तेरे साथ ही मेरा ठिकाना है। थैंक यू दोस्तों, भैया ने बहुत प्यारा गाना गाया, इनकी आवाज़ बहुत ही मधुर है, इनको तो इंडियन आइडल में जाना चाहिए और वहाँ से अवार्ड लाना चाहिए और हमारे जबलपुर का नाम रोशन करना चाहिए। और हमारे साथ और भी लोग हैं, तो भाई लोग अपना अपना थोड़ा सा बता दीजिए कि आज आप लोगों ने पार्टी की, कितना इन्जॉयमेंट किया, सब थोड़ा सा बताएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर आप बताइए, आपने कैसे मज़ा किया यहाँ पर? बहुत इन्जॉय करें हम लोग। और भैया सेल्फी कैसी आ रही है आपकी? भैया देखिए ये जो सनसेट है यहाँ पर, सेल्फी का मज़ा ही कुछ और है। और जो आप पीछे देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है, बहुत छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे, ये पूरा जबलपुर का व्यू है। अगर आपको जबलपुर पूरा देखना है तो टनटनिया पहाड़ के ऊपर आ जाइए और जबलपुर पूरा देख सकते हैं, बहुत ही विशाल दिख रहा है यहाँ से। और हमारे साथ बहुत से लोग भी आए हुए हैं, और सभी लोग बार हाई कर दीजिए जिससे कि हाय ठीक है। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग अपने अपने छतों पर खड़े होते होंगे, टेरेस पर या रोड पर कहीं पर भी घूमते होंगे, तो आपको पहाड़ कोई दिखता होगा जिसमें एक वाइट स्टोन दिखता होगा, एक बहुत बड़ा वाइट पत्थर आपको दिखता होगा। दिखा रहा हूँ एग्जिट, हम लोग वहीं पर खड़े हुए, ये जस्ट आपके पास है, ये देखिए वाइट पत्थर दिखता होगा, ये सी कुछ यहाँ पर इस टाइप से बना दिया गया है, कुछ चिल्ला टाइप का इसको कहते हैं, जो धार्मिक स्थलों से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। और खास कर ये दो पेड़ देखते होंगे आपको, ये सूखा पेड़ दिखता होगा, ये हरा पेड़ दिखता होगा, ये तो जरूर दिखता होगा, साथ में ये जो निशान दिख रहा होगा आपको, ठीक है अल्लाह का, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देते होंगे, ठीक है भाइयों। ओके भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके चैनल से जुड़ने पर, और यही उम्मीद रहेगी कि आप लोगों का सपोर्ट भी मिलता रहे, बस और कुछ नहीं। दोस्तों आपको मैंने जबलपुर का सनसेट पॉइंट दिखाया, एग्रीकल्चर दिखाया, खमरिया दिखाया, और यहाँ रांझी भी देख सकते हैं आप। चार मेरे पीछे देखिए जबलपुर कितना छोटा दिख रहा है, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, कितना विशाल महानगर है। यहाँ से आप थोड़ा सा अभी रोशनी कम हो गई है, नहीं तो मैं आपको कचनार सिटी भी दिखाता, और बहुत सारे नज़ारे यहीं से आप देख सकते हैं, क्योंकि जबलपुर का सबसे बड़ा पहाड़ है ये टनटनिया पहाड़। अगर आपको जबलपुर घूमना है और सनसेट देखना है तो जबलपुर आ जाइए, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने मिलेगी, ये बहुत ही मस्त पहाड़ है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने वीडियो पसंद किया हो और आपको अच्छा लगा तो इस वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, इसी तरह यूजफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता ही रहता हूँ। जय श्री कृष्ण।